उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीएम योगी ने कहा, अब तक 23 लाख प्रवासी श्रमिक कामगार उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं। मुंबई और दिल्ली से लौटने वाले बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सीएम योगी ने कहा, अन्य राज्यों से आने वाले 30% कामगार संक्रमित हैं। महाराष्ट्र से आने वाले 75% और दिल्ली से आने वाले 50% कामगार संक्रमित हैं। वहीं मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने योगी आदित्यनाथ सरकार के ऊपर कोरोना जैसी महामारी से संक्रमित लोगों के भ्रामक आंकड़े और सामाजिक वैमनस्य फैलाने के खिलाफ बताया। वहीं भी पीएल पुनिया ने कहा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गरीब श्रमिकों की सेवा करने की सजा मिल रही है। एक हैरत अंगेज बयान दिया जो सनसनी फैलाने वाला है। उनका कहना था कि जो प्रवासी भारतीय महाराष्ट्र से आ रहे हैं वो 75% कोरोना से संक्रमित है और दिल्ली से आने वाले वो 50% संक्रमित है और अन्य प्रदेशों से आने वाले 25-30% संक्रमित है। और इस तरह से अगर इनके आंकड़े देखे जाए तो 25 लाख लोग आए हैं, उनमें से 10 लाख उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोग प्रवासी मजदूर हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के